नोएडा के थाना एक्सप्रेस पर पुलिस ने सेक्टर 135 स्थित राजमहल फार्म हाउस पर छापेमारी करते हुए जुआ खेला और जुए खेल रहे तीन लोगों को मौके से गिरफ्तार किया। इस दौरान पुलिस ने मौके से कैसीनो टेबल करीब 30,000 रुपए सहित 14 मोबाइल फोन बरामद किए हैं। नोएडा में जो है पुलिस ने जुआ खेल रहे आरोपियों को, जुआ जो खेल रहे थे उन्हें रंगे हाथों पकड़ा है। ये थाना प्रभारी एक्सप्रेसवे सुधीर कुमार सिंह, उनको एक जानकारी प्राप्त हुई कि सेक्टर 135 में एक फार्म हाउस में अवैध कैसीनो का संचालन किया जा रहा है। इस सूचना पर इनके द्वारा लिखित में अनुमति प्राप्त की गई रेड करने के लिए, और अनुमति प्राप्त होने के पश्चात अपनी टीम के साथ रेड किया गया तो वहां 13 व्यक्ति जुआ खेलते हुए मिले, जिन्हें गिरफ्तार किया गया है। उनके पास से 4 प्लेइंग कार्ड्स की गड्डी, 2040 टोकन कॉइंस, 2 डीलर बटन, 30,000 रुपये नकद और 14 मोबाइल बरामद किए गए हैं।